नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात कर रहे हैं 23 मई से शुक्र ग्रह जो हैं अश्वनी नक्षत्र और मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इनका क्या प्रभाव आपके मार्केट पर पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी बतलाएंगे। इसके साथ आपकी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में जानकारी दूंगी। जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जन्म कुंडली हस्तरेखा रत्न वास्तु से जुड़े समस्त कार्यों के लिए आप कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि शुक्र यदि हम मार्केट का विचार करें तो क्या प्रभाव करता है। यदि हम शुक्र ग्रह को देखते हैं तो अश्वनी नक्षत्र और मेष राशि में जा रहे हैं, तो इनके प्रभाव से क्या प्रभाव बनेगा, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में जानकारी दूंगी। और साथ में जो 13 मई से लेकर के 18 जून तक जो है शुक्र ग्रह मेष राशि में रहेंगे, 18 जून से जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शुक्र की स्वयं की राशि है। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह का परिवर्तन जो रहता है विशेष महत्वपूर्ण रहता है। शुक्र ग्रह जो है जीवन में धन मान वैभव यश लग्जरी लाइफ को देने वाले ग्रह होते हैं, समस्त वैभव और सुख देने वाले ग्रह होते हैं। कुंडली में शुभ स्थानों पर होंगे, अच्छे ग्रहों से युति या दृष्टि होगी तो पूर्ण शुभ फल की प्राप्ति करेंगे, और यदि पाप ग्रहों से युक्त या दृष्टि होंगे या गोचर करेंगे तो ऐसे में आपको कुछ हानि दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि शुक्र आखिर क्या प्रभाव करेंगे, तो सबसे पहले राशि के अनुसार देख लेते हैं, इसके बाद मार्केट के संबंध में भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले जो है मेष राशि आती है, तो मेष राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वह शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है सप्तम भाव को देखेंगे, अपनी स्वराशि को देखेंगे तो कार्य व्यापार पारिवारिक जीवन में सुख सौभाग्य की जो है वृद्धि करेंगे। अगली राशि हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो शुक्र ग्रह जो है वृषभ राशि वालों के लिए हानि का योग बना सकते हैं। खर्च अधिक हो सकता है, रोग बीमारी की आशंका हो सकती है, इस प्रकार से अधिक खर्चे की संभावना बन सकती है, ऋण रोग और शत्रु आपके उत्पन्न हो सकते हैं। अगली राशि आएगी आपकी मिथुन राशि, तो मिथुन राशि वालों के लिए लाभ का योग बना रहे हैं, आपको चौतरफा लाभ के योग बनेंगे, मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी, आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए जो है रास्ते मिलेंगे, शुक्र आपके लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। जो है कर्क राशि वालों के लिए भी शुभ फल प्रदान करेंगे, क्योंकि कर्क राशि के दशम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, शुक्र लाभेश भी है और चतुर्थ भाव के कारक भी हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है विशेष लाभ के योग बनावेंगे, भूमि वाहन से संबंधित कोई अच्छा कार्य आपके लिए हो सकता है। अगली राशि हम देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए भाग्य में शुक्र का गोचर हो रहा है, क्योंकि शुक्र जो है दशमेश हैं और पराक्रम के कारक भी हैं, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा और कार्यों की सिद्धि आपके लिए होगी। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम में आ रहे हैं, तो ऐसे में परिवार सुख सुविधाएं तो बढ़ाएंगे, धन की वृद्धि करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में रहने से जो है किसी प्रकार के गुप्त रोगों की उत्पत्ति भी ये कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए जो है सप्तम भाव पे आ रहे हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जीवन में तो कुछ विघ्न बाधाएं उपस्थित कर सकते हैं, इसके लिए सावधानी रखना जरूरी है, लेकिन लग्न को देख रहे हैं तो उत्तम स्वास्थ्य देंगे, मनोइच्छा की पूर्ति करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए छठवें भाव पे गोचर हो रहा है, तो ऐसे में ऋण रोग और शत्रुओं को प्रबल करेंगे, खर्चा अधिक आपका होगा, कुल मिलाकर के कुछ हानि आपको देकर जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में गोचर हो रहा है, लाभ को देख रहे हैं तो आपके लिए अच्छे लाभ के योग ये बनावेंगे। मकर राशि वालों के लिए हम शुक्र देखते हैं तो चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है, तो चतुर्थ भाव में गोचर होने से, क्योंकि दशम के कारक हैं, पंचम के कारक हैं,
तो आपको विद्या बुद्धि से संबंधित कुछ विशेष सफलता इनमें प्राप्त हो सकती है। कार व्यापार के क्षेत्र में रुका हुआ आपका काम पूरा हो सकता है। भूमि वाहन भवन से संबंधित कुछ नई खुशखबरी आपको मिल सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए पराक्रम भाव पर शुक्र हैं, भाग्य को देख रहे हैं, भाग्य को बढ़ावेंगे, आपको उत्तम लाभ के योग बनावेंगे। मीन राशि वालों के लिए कुटुंब भाव में हैं, अष्टम को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में गुप्त तरीकों से विशेष लाभ के योग आपको बन सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यह था आपका 12 राशियों पर शुक्र के वर्तमान गोचर का प्रभाव क्या रह सकता है, वह मैंने बतलाया है। लेकिन हमें विशेष जो है अपनी जन्म पत्रिका से सूक्ष्म फलादेश के द्वारा जरूर करवाना चाहिए फलादेश। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से शुक्र ग्रह मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जब शुक्र जो है मेष राशि और मिथुन अश्वनी नक्षत्र में हैं, तो इनके प्रभाव से जो है, क्योंकि मंगल की राशि है, तो कुछ ग्रह स्थिति के अनुसार मार्केट में तेजी के योग तो बन सकते हैं, लेकिन मुझे मार्केट में शुक्र ग्रह के परिवर्तन से जो है 23 मई से लेकर 18 मई के बीच में विशेष कुछ ग्रह स्थिति के अनुसार जब भी सूक्ष्म ग्रहों की युति दृष्टि पड़ेगी तो विशेष मद्दी का दौर देखा जा सकता है। लेकिन यह मद्दी कब हो सकती है, इसकी जानकारी के लिए हमें डे बाय डे का जो सूक्ष्म अवलोकन किया जाता है उसके आधार पर जानकारी लगती है। लेकिन एक मोटे अनुमान के अनुसार जो है हमें अच्छी मद्दी भी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले गोल्ड सिल्वर आदि में क्या स्थिति बन सकती है, तो ग्रह स्थिति के अनुसार जो है देखते हैं, तो जो शुक्र जब मेष राशि में रहते हैं तो गेहूँ चना आदि अन्य ग्रह इनमें तेजी के योग बनते हैं। सोना चांदी में अप डाउन के साथ कुछ तेजी के योग बना सकते हैं, लेकिन विशेष ग्रह स्थिति में जो है अच्छी मद्दी भी हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ ऊन तिल तेल आदि में मद्दी देखी जा सकती है, गुड़ शक्कर आदि में भी मद्दी देखी जा सकती है। इसके साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है अश्वनी नक्षत्र के जो है शुक्र क्या प्रभाव कर सकते हैं। तो अश्वनी नक्षत्र के शुक्र जो हैं कुछ खास कमोडिटी जैसे सोना गुड़ खांड चांदी तिल तेल सरसों सूत आदि सौंठ चना उड़द अरहर इनमें ग्रह स्थिति के अनुसार ये मद्दी के योग देवेंगे। इसके अनुसार आपका प्रश्न रहेगा कि आपने स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बताया, तो स्टॉक मार्केट के लिए आपको बता दूं, बीच में जो भी तारीखें आएंगी वो आपको बता दी जाएंगी कि उनमें अच्छी मद्दी के दौर देखे जा सकते हैं। निफ्टी में भी मद्दी देखी जा सकती है, बैंक निफ्टी में भी मद्दी देखी जा सकती है। स्टॉक मार्केट जो है शुक्र के परिवर्तन से विशेष प्रभावित होगा, मद्दी के दौर हमको बीच में देखने को मिलेंगे, जिनका कि वर्णन हम वीडियो में आपके लिए करेंगे। चैनल अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे कार्यालय से गोल्ड सिल्वर निफ्टी निफ्टी बैंक क्रूड ऑयल का दैनिक वीकली मंथली प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका भी दिखला सकते हैं।